हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछले वीडियो में हमने आपसे साल्विया में कीट परागण किस प्रकार से होता है इसको चर्चा किया, और उसी कीट परागण में हम दूसरी टॉपिक लेके आए हैं प्रिमरोज। प्रिमरोज के जो फ्लावर होते उनमें किस प्रकार से ये आपका कीट परागण प्रक्रियाएं होती हैं इसके बारे हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो कौन सा है, प्रिमरोज में कीट परागण, एंटेमोफिली इन प्रिमुला। अब इसमें हम यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देते हैं कि जो हमारा प्रिमरोज का फ्लावर होता है उस प्रिमरोज के फ्लावर में दो तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात प्रिमरोज का जो फ्लावर होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन? एक नंबर एक सूक्ष्म वर्तिकाग्री पुष्प, और दूसरा है दीर्घ वर्तिकाग्रीय दीर्घवर्तिकाग्री पुष्प। ये दो तरह के फ्लावर किसमें मिलते हैं? आपके प्रिमरोज में। और इन दो तरह की स्थितियों को हम यहां पर फिगर के साथ में आपको दिखाए हैं। आप फिगर को स्पेशली ध्यान से देखिए, तो यहां पर एक आपका थर्म आइड फ्लावर है, दूसरा पिन आइड फ्लावर है। थर्म आइड फ्लावर को हम सूक्ष्म वर्तिकाग्री पुष्प कहते हैं, और दीर्घ जो हमारा पिन आइड फ्लावर होता है इसे हम दीर्घ वर्तिकाग्री पुष्प कहते हैं। अब इसमें जो हमारा सूक्ष्म वर्तिकाग्री पुष्प होता है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अभी थोड़ा हम प्रिमरोज पौधों के बारे फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। तो देखिए उसमें होता क्या स्पेशली, ऐसे फ्लावर जिनमें वर्तिकाग्र सूक्ष्म होता है, जिसमें वर्तिकाग्र सूक्ष्म होता है और एंथर या इसे हम पराग और एंथर और एंथर लंबे होते हैं तथा दलपुंज नलिका के बाहर की ओर दिखाई देते हैं सूक्ष्म वर्तिकाग्री पुष्प कहते हैं। थर्म आइड फ्लावर कहते हैं। क्लियर? तो इसमें स्पेशली फिगर यहां देखिए आप खास तौर से कि हमारा ऐसा फ्लावर या ऐसा पुष्प जिसमें आपका ये वर्तिकाग्र सूक्ष्म होता है, जबकि हमारे पुंकेसर के जो एंथर होते हैं ये आपके लंबे होते हैं। तो एंथर लंबे होते हैं और दलपुंज नलिका के बाहर की ओर निकले होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम नाम देते हैं क्या आपका सूक्ष्म वर्तिकाग्री पुष्प कहते हैं। क्लियर? दूसरा जो हमारा होता है वो होता है दीर्घ वर्तिकाग्री पुष्प। देखिए इसमें स्पेशली क्या होता है, फिगर को आप मोस्टली ध्यान देंगे तो यह बातें आपको समझ पाएंगे। यहां पर हम दूसरा आता है फ्लावर में दीर्घवर्तिकाग्री पुष्प। क्लियर? अब इसमें स्पेसिफिक देखिए क्या होता है, इसे हम पिन आइड फ्लावर कहते हैं। क्लियर? अब यहां फिगर में देखो स्पेशली
कि ऐसे फ्लावर जिनमें ये हमारा वर्तिकाग्र जो होता है ये आपका लंबा हो जाता है, अर्थात वर्तिकाग्र फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। सब मिलाकर कहने का तात्पर्य होता है कि उस फीमेल का मादा जनन भाग ये पूरी तरह से डेवलप करके दलपुंज नलिका के बाहर ये वर्तिकाग्र आपका दिखाई देता है, और जो इसके एंथर होते हैं ये दलपुंज नलिका के आधे भाग तक होते हैं। ऐसे फ्लावर को हम नाम देते हैं क्या आपका दीर्घवर्तिकाग्री पुष्प कहते हैं। ये फिगर को आप बकायदा देखिए इसमें कि ये हमारे दलपुंज नलिका है, दलपुंज नलिका के ऊपर ये आपका हमारा बाइलोब्ड स्टिग्मा है, बीच में स्टाइल है, ओवरी है। ये ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा दोनों मिलकर के तीनों मिलकर गायनोशियम बनाते हैं, मादा जायांग बनाते हैं। तो ये आपका इसमें बताया गया कि हमारा वर्तिकाग्र जो होता है फुल्ली डेवलप होता है, पूरी तरह से मैच्योर होता है। ऐसे फ्लावर को हम नाम देते हैं क्या दीर्घवर्तिकाग्री पुष्प कहते हैं। यहां हम लिख सकते हैं, थोड़ी बातें मेंशन कर सकते हैं आपसे कि ऐसे फ्लावर, ऐसे पुष्प जिनमें जिनमें वर्तिकाग्र लंबा होकर दलपुंज नलिका के बाहर आ जाता है और एंथर दलपुंज नलिका के आधे भाग तक ही रह पाते हैं। दीर्घवर्तिकाग्री पुष्प कहलाते हैं। क्लियर। अब इसमें देखिए, ये तो रहा हमारा प्रिमरोज पौधों की दो स्थितियां, दो प्रकार, एक आपका सूक्ष्म वर्तिकाग्री पुष्प, दूसरा आपका दीर्घ वर्तिकाग्री पुष्प। अब इसमें हमें बताना है या हम इस पर बात करेंगे आपसे कि ये हमारा जो कीट परागण प्रक्रिया किस प्रकार से इस प्रिमरोज पौधों में होती है, इनके बारे हम आपसे डिस्कशन करते हैं। क्लियर। तो फिगर को आप देखिए, स्पेशली जो हमारा इस सूक्ष्म वर्तिकाग्री पुष्प होता है, पहली बात तो इस प्रिमरोज पौधों में या प्रिमरोज फ्लावर में हम एक बात यहां बताएंगे आपको कि प्रिमरोज फ्लावर में या पुष्प में परागण क्रिया मधुमक्खी के द्वारा संपन्न होता है, क्लियर। एक बात, अब यहां हम बातें इसमें कहेंगे कि जो हमारा प्रिमरोज का सूक्ष्म वर्तिकाग्री पुष्प होता है, जब इस सूक्ष्म वर्तिकाग्री पुष्प पर कोई भी कीट, दैट मीन्स मधुमक्खी ब्राइटिगी या मधुमक्खियां मान लीजिए, जब हमारी ये जो सूक्ष्म वर्तिकाग्री पुष्प होते हैं, जब सूक्ष्म वर्तिकाग्री पुष्प के दलपुंज नलिका में मधुमक्खी प्रवेश करती है, अब मधुमक्खी क्यों प्रवेश करेगी, क्या जरूरत है उसको प्रवेश करने की, तो मधुमक्खियों को जरूरत है क्या मकरंद को चूसने के लिए। मकरंद क्या होता है, एक प्रकार का मीठा पदार्थ, हमने कल के बारे में डिस्कस किया था कल की वीडियो में। तो ये मकरंद जो होता है, इस मकरंद को चूसने के लिए जैसे ही दलपुंज नलिका में प्रवेश करती है, वहां पर ये हमारा एंथर की जो लोब होती है वो फुल्ली मैच्योर होते हैं, वो क्या होते हैं आपका उनके बॉडी से टच हो जाते हैं, अर्थात इस मधुमक्खी के बॉडी से टच हो जाते हैं, और टच होकर के या आपका स्पर्श होकर के अपने परागकण को इस मधुमक्खी के शरीर पर बिखेर देते हैं। क्लियर। जब मधुमक्खी के शरीर पर बिखेर देते हैं
तो क्या होता, अब यही मधुमक्खी जब दूसरे प्रिमरोज के दीर्घ वर्तिकाग्रि पुष्प में एंट्री करता है फिर मकरंद को चूसने के लिए, तो यहां पर जैसे ही देखे आपके दलपुंज नलिका में हमारा कीट जो होता है प्रवेश करता है या इंसेक्ट या मधुमक्खी प्रवेश करती है, तो उस दीर्घवर्तिकाग्रि पुष्प में आप देखेंगे कि वर्तिकाग्र यहां पर लंबा होता है और दलपुंज नलिका के बाहर निकला होता है। जैसे ही हमारा ये मधुमक्खी दलपुंज नलिका में प्रवेश करती है वैसे ही क्या होते हैं इसके जो परागकण होते हैं ये परागकण जो होते हैं इस स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। अब जब इस स्टिग्मा से चिपक जाते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि ये परागकण जो होते हैं इसमें चिपकते हैं तो यहां पर आपका परागण क्रियाएं आसानी से हो जाती हैं, क्लियर। और जब परागण क्रियाएं आसानी से हो जाती है तो उनमें पौधों में आगे की प्रक्रिया जो होती है स्टार्ट हो जाएगी, निषेचन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, बीज बनेंगे, फल बनेंगे इत्यादि सारी घटनाएं चलने लगती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ये प्रिमरोज में कीट परागण की प्रक्रियाओं को आपने देखा, यहाँ पर मोस्टली एक बार मैं फिर रिमाइंड कर देता हूँ आपको कि जो हमारा ये दो तरह के फ्लावर होते हैं प्रिमरोज में, एक प्रिमरोज में आपका ऐसे फ्लावर है जिसमें आपका एंथर आपका फुल्ली डेवलप है अर्थात पुंकेसर वाला भाग डेवलप है, उसे हम नाम देंगे आपका थर्म आइड फ्लावर। और दूसरा जो हमारा फ्लावर है यह है पिन आइड फ्लावर। इस पिन आइड फ्लावर में हमारा ये गाइनोशियम वाला पार्ट आपका डेवलप है। दो तरह की स्थितियां प्रिमरोज पौधों में पाई जाती हैं। अब इसमें हमें देखना क्या, बस विशेष ध्यान देना है, मोस्टली करना क्या है कि जो आपकी प्रिमरोज की उसमें परागण क्रिया मधुमक्खी के द्वारा संपन्न होती है इसमें आप विशेष तौर से ध्यान देखिए कि जो हमारा ये थर्म आइड फ्लावर होता है जिसे हम सूक्ष्म वर्तिकाग्रि पुष्प कहते हैं, इसमें आपका स्टिग्मा ये आपका क्या होता है इस दलपुंज नलिका के आधे भाग तक होता है और एंथर सबसे ऊपर की ओर। जब मधुमक्खी मकरंद की तलाश में, मकरंद कहाँ होता है बिल्कुल इसके नीचे वाले भाग में, जब मकरंद की तलाश में आपके मधुमक्खी इसके अंदर प्रवेश करती है तो ये एंथर क्या होते हैं इनके बॉडी से रगड़ खा जाते हैं और रगड़ खाने के बाद उसमें से परागकण निकलकर इनके शरीर पर बिखर जाते हैं अर्थात इसके शरीर पर जो आपका रोमयुक्त भाग होता है उससे चिपक जाते हैं ये, क्लियर। जब ये चिपक जाएंगे तो कंडीशन क्या होगी, अब ये मधुमक्खी को क्या पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये तो मकरंद की तलाश में गई है ना, अब ये मकरंद को वहां जब चूस लेती है तो उसके बाद वहां से उड़ करके दूसरे फ्लावर पर, प्रिमरोज के ही दूसरे फ्लावर पर पहुंचती है जहां पर यह आपका वर्तिकाग्र फुल्ली डेवलप होता है और वह दलपुंज नलिका के बाहर की ओर निकला होता है। जैसे ही मधुमक्खी दूसरे फ्लावर में आपका प्रवेश करती है उसके बॉडी पर चिपके परागकण जो होते हैं उस परागकण को यह स्टिग्मा रिसीव कर लेता है। क्यों रिसीव कर लेता है, क्योंकि सबसे आगे की ओर होता है एक बार दूसरा चिपचिपा और खुरदरा होता है, सॉरी चिपचिपा होता ना खुरदरा, चिपचिपा होता है जिसकी वजह से ये इनको चिपका लेता है। और यहां पर देखेंगे इस फ्लावर में हमारे एंथर जो होते हैं इस दलपुंज नलिका के आधे भाग तक होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका प्रिमरोज पौधों में परागण की क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज, थैंक्स।